हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो भाई आज सुबह मैंने उठ के ब्रॉल खेला, लेकिन मैं पर्सनली मेरे को ये वाला ब्रॉल मैं खेल नहीं पाया, इसलिए भाई मेरे को अच्छा नहीं लग रहा भाई, क्योंकि मैंने घटिया खेला है। तो भाई देखो मैंने क्या किया भाई, सबसे पहले तो मैंने इंटर कर लिया, उसके बाद मेरे को पता नहीं था एक्चुअली करना क्या है। तो भाई मैं क्या बोलूँ भाई, एकदम घटिया खेला मैं। तो सबसे पहले तो गाइस यहाँ पे आ जाना है, और यहाँ पे ये जो ब्लू वाला माइनिंग सेक्टर है, यहाँ से आपको डायमंड वगैरह मिलेंगे और चार टोकन मिलेंगे। तो भाई ये चार टोकन मतलब चार पॉइंट है, ये चार टोकन जो है ये ब्लू कलर का कॉइन की तरह ये टोकन है। ये टोकन आप लोगों को काम आएगा रैंकिंग में, तो मैं दिखा दूंगा बाद में रैंकिंग सिस्टम, मतलब रैंकिंग मेरा कैसा है। ये जो और ये जो गोल्ड वाला है, इससे हमें गोल्ड कॉइन मिलेंगे और ब्लू वाले से हमें डायमंड मिलेंगे, नॉर्मल डायमंड। तो भाई और ये जो बड़ा वाला है, मतलब ये बड़ा वाला है और ये छोटा वाला है, बड़े वाले से भाई ज़्यादा अमाउंट के गोल्ड मिलेंगे और डायमंड मिलेंगे, और छोटे वाले से छोटे अमाउंट के गोल्ड और डायमंड्स मिलेंगे। और भाई यहाँ से और एक मशाल टाइप का आप लोगों को दिख रहा होगा, तो इस पे भाई क्लिक करने पे ये जो सामने धुआं दिख रहा है, ये धुआं हट जाएगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा, और या तो फेज 3 में पूरा क्लियर हो जाएगा। तो फेज 3 तक भाई वही करना है, और फेज 3 के बाद ये जो पोकेमॉन मैंने बैटल चालू किया है, आपको भी यही करना है भाई। फेज 3 में भाई हर जगह पोकेमॉन भर जाएगा, तब बैटल करना, फेज 3 के पहले मत करना, क्योंकि तब काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स होते हैं ना, तो भाई रैंडमली आ जाते हैं काफ़ी सारे प्लेयर्स, मतलब जिसका भी ट्रेनर लेवल आपके जैसा ही है, मतलब आप जिसमें एंटर कर रहे हैं 40 से 100 तक या 100 से 200 तक, तो भाई उसमें काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स आपसे होंगे, आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स होंगे ही, तो भाई उनके सामने तो हम टिक नहीं पाएंगे। तो भाई और जब हम बैटल करते हैं ना, अगर हमने इसे मारने से पहले किसी और ने मार दिया, तो भाई हमारा काउंट नहीं होगा, उसको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए भाई फेज 3 से पहले बैटल मत करना, फेज 3 में काफ़ी सारे जगहों पे ये पोकेमॉन्स आ जाते हैं, तो फेज 3 में बैटल करना। तो भाई जैसा देख सकते हो, तो मेरे बैटल में वन शॉट मैं भी नहीं कर पा रहा भाई, मैं भी इन्हें वन शॉट नहीं कर पा रहा। तो भाई इन्हें मारने पे हमें 200 टोकन मतलब 200 पॉइंट और 180 टोकन मिल जाता है, जो कि बढ़िया है भाई। यहाँ से भी हम टोकन कलेक्ट कर सकते हैं ब्रॉल इवेंट से, और स्टोर में एक्सचेंज कर सकते हैं। और भाई यहाँ पे ये जो प्लेयर्स हैं, मैं दिखा देता हूँ, इन प्लेयर्स को भी हम चैलेंज कर सकते हैं भाई, ये देखो। तो इसके लिए जो टोकन चाहिए, वो हमें पोकेमॉन मार के, ये जो कायगर वायगर आएगा उन्हें मार के हम टोकन कलेक्ट करके इनसे बैटल कर सकते हैं। और भाई मेरा रैंकिंग देखो, मैं 3rd पे हूँ, क्योंकि मुझे पहले खेलने का मतलब सही तरीका मालूम नहीं था, मैं बस इधर उधर घूम रहा था। तो भाई यहाँ से भाई बैटल करना होगा, और ये देखो मेरे साथ एक 5 मिलियन वाला सीपी वाला बंदा भी आ चुका है, जो भाई मैं उसके सामने टिक भी नहीं पाऊँगा ना। और भाई एक हो वाला है, मतलब मेगा हो है, ये बॉस कह सकते हो इसे, जो फेज 3 में आएगा। तो भाई इसमें मैंने बैटल किया है, आप लोग बिल्कुल मत करो, ये टाइम वेस्ट है बिल्कुल भाई, बिल्कुल टाइम वेस्ट है, क्योंकि इसका रिवॉर्ड देखो भाई, इसके रिवॉर्ड में लिखा है भाई, जो भी इसे किल कर पाएगा उसे ही सिर्फ रिवॉर्ड मिलेगा, बाकियों को कुछ भी नहीं मिलेगा। और एक है भाई जो है रैंकिंग में, मतलब अगर आपने ज़्यादा डैमेज दिया तो भाई वो फॉसिल शार्ड वाला मिलेगा आपको, और भाई ये तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स आते हैं भाई, ये फॉसिल वाला भी नहीं मिलेगा, ये किलिंग मतलब अगर आप लास्ट में अटैक करके किल कर पाए इसे तो ही मिलेगा, मतलब किसी एक बंदे को। तो भाई मैं तो बैटल किया हूँ, आप बिल्कुल मत करिएगा, यही मैं कहूँगा भाई। और देखो भाई अगर ये मेरी, ये देखो भाई ये हो गया भाई, ये इसने बैटल कर लिया और ये हो गया भाई, इसे फॉसिल शार्ड मिल गया, वो जो मैं जिसके पीछे जा रहा हूँ उसे फॉसिल शार्ड मिल गया भाई, और भाई मेरे को तो कुछ नहीं मिला। तो भाई चलो इसे अटैक कर देते हैं मैं, और भाई मैं ये दिखा देता हूँ आप लोगों को किस बारे में बात कर रहा था, अगर आपसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर हो तो भाई क्या होता है। तो भाई मैं इस पर अटैक कर रहा हूँ, देखो भाई, तो भाई मैंने इस पर अटैक चालू कर दिया, और भाई मैंने इसे मारने वाला था भाई, देखो क्या होता है भाई, इसके मैं सारे पोकेमॉन्स मतलब इसको वाले को मतलब ये लूनाला को मारने वाला था, ये देखो भाई किसी और ने मार दिया, तो भाई मेरे को कुछ भी रिवॉर्ड नहीं मिलेगा भाई, कुछ भी नहीं मिलेगा, लिटरली मेरे मारने से पहले उसने मार दिया तो भाई उसका रिवॉर्ड मिलेगा, मुझे कुछ नहीं मिला। ये भाई बिल्कुल बकवास दिया है इन लोगों ने भाई, मैं तो कहूँगा बिल्कुल बकवास दिया भाई, देखो कुछ भी नहीं मिला मेरे को, किसी ने मार के चला गया और उसको रिवॉर्ड मिल गया भाई। इस वजह से अगर ये 3rd फेज में ही हूँ मैं, और देखो अभी भी इतना कंपटीशन है, तो भाई सोचो 2nd फेज में जब ये सारे पोकेमॉन्स बहुत कम होंगे, किसी एक जगह पे आते होंगे, तब क्या होगा। और भाई ये मेगा म्यूटू भी है एक बॉस, और एक जगह पे डॉन विंग्स भी है एक बॉक्स मतलब बॉस। तो भाई इन बॉस को मैं तो अटैक करने वाला हूँ नहीं, क्योंकि ये रिवॉर्ड्स भाई सिर्फ उन्हें कि उनको ही मिलेंगे भाई, जो मतलब स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स होंगे, हम जैसे नूबरों को तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो भाई हम जैसे को वो पहले तो वो माइनिंग कंप्लीट करना है भाई, फेज 1 से फेज 2 तक पूरा माइनिंग करो, उसके बाद फेज 3 में जब ये पोकेमॉन्स काफ़ी सारे आ जाएंगे तो जो खाली जगह होगा वहाँ पे जाके बैटल करो। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे शायद ये बैटल नहीं कर रहा,
यहाँ पे काफ़ी सारी जगह पे पोकेमॉन्स पड़े हुए रहते हैं, मैंने देखा है, कोई बैटल नहीं करा। देखो इस साइड में कोई बैटल नहीं करा, तो ये जगह बिल्कुल खाली है। तो भाई मैं यहाँ पे बाद में जाके बैटल करूँगा, तो मेरा भी पॉइंट रैंकिंग थोड़ा बढ़ेगा। ये देखो मेरे को ये घटिया चीज़ें मिली हैं, सिर्फ ये डायमंड्स वगैरह मेरे को बहुत अच्छे लगे भाई। यहाँ से इस इवेंट से हम डायमंड्स कलेक्ट कर सकते हैं। और भाई मेरा रिवॉर्ड जो मिला था मुझे वो बिल्कुल घटिया था, तो मैंने वो रिकॉर्ड भी नहीं किया भाई रिवॉर्ड्स वाला सेक्शन। तो भाई ये वीडियो यहीं तक ही रखते हैं भाई। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दो जो खेलना नहीं जानते उन बंदों को। तो भाई मिलेंगे ऐसी और एक नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय गाइज़।